पप्पू तू कल स्कूल क्यों नहीं आया? सर, जो कल आए थे उनको क्या विधायक बना दिया आपने? सर, अच्छा ये बता, परसों मैंने तुझे जो कुत्ते पर निबंध लिखने के लिए कहा था तू लिख के लाया? नहीं सर, वो क्या है कि जैसे ही मैंने कुत्ते पर पेन रखा वो साला भाग गया। चल पप्पू ये बता, पांच में से पांच गए तो कितने बचे? मुझे क्या मालूम कितने बचे। अबे मान ले, अगर तेरे पास पांच भटूरे हैं और मैंने तुझसे वो पांचों भटूरे ले लिए तो तेरे पास क्या बचेगा? सर, अगर पांचों भटूरे आप खा जाओगे तो मेरे पास तो छोले ही बचेंगे ना। पप्पू ये बता, एलोवेरा क्या होता है? सर, पंजाब में जब कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई को दारू का पैग बना के देता है तो वो कहता है एलोवेरा साडा पटियाला पैग। नालायक, थोड़ा बहुत पढ़ लिया कर। माना कि तू पैसे वाला है, माना कि चाचा विधायक है तेरे, पर देख गरीबों को जो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते। अच्छा चल, गरीब परिवार के बारे में कुछ बता कि तू गरीब लोगों के बारे में क्या सोचता है। सर, एक गरीब परिवार था, उसमें पिता गरीब, माँ गरीब और बच्चे गरीब। उस परिवार में चार नौकर भी थे, वो भी गरीब थे। उनके पास एक स्कॉर्पियो कार भी थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने सैमसंग गैलेक्सी S9 के मोबाइल थे। पूरा परिवार हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाता था। उनके घर में केवल 2 AC थे और वो भी सेकंड हैंड। बेचारा पूरा गरीब परिवार बड़ी ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। उम्र सारी रहने दे पप्पू, तेरी कहानी ने मुझे रुला दिया, तुझसे ना हो पाएगा। अच्छा पप्पू ये बता, तूने शोले पिक्चर देखी है? हाँ सर, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। अच्छा तो उसमें जो डाकू था ना गब्बर सिंह, उसके बारे में कुछ बता। सर, आदरणीय गब्बर सिंह जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका जीवन सादगी भरा था, क्योंकि वो शहर की भीड़ से दूर जंगल में रहते थे। एक ही कपड़ों में कई दिन गुजार देते थे। वो अनुशासन प्रिय भी थे। अगर कालिया या उसका कोई भी आदमी अपना काम ठीक से ना करे तो सीधा उसे गोली मार देते थे। गब्बर सिंह जी दयालु भी थे। जब उन्होंने ठाकुर को अपने कब्जे में लिया तो उसके केवल हाथ काटे, चाहते तो उसका गला भी काट सकते थे। वो नारी का भी सम्मान करते थे। उन्होंने बसंती को किडनैप करके उससे केवल नाचने के लिए रिक्वेस्ट की और कुछ भी नहीं किया। और वो समाज सेवक भी थे, क्योंकि गब्बर सिंह जी रात को बच्चों को सुलाने का काम भी करते थे। उनकी ये सब अच्छी आदतों को देखकर तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनके बारे में और क्या कहूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए बगल वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।